लुक अच्छा मिल रहा है, लेकिन इसका खामिया भी है भाई, ये गंदा बहुत जल्दी होगा। लेकिन फिर हाँ ये देखिए भाई चाबी, यार आप 9,70,000 रुपए खर्च कर रहे हैं और चाबी आपको एक ऐसी मिलती है मैनुअल। यार तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे न्यूली i20 की, एकदम फ्रेश i20। इसलिए इसे मैं कह रहा हूँ भाई क्योंकि इसमें ये जो कलर आया है ना, ये न्यूली लॉन्च कलर है। यानी इसमें जो पहले भी ग्रे आता था वो टाइटन ग्रे करके आता था, लेकिन यार जो कलर है ये आपको अमेजोन ग्रे कलर में देखने के लिए मिलता है। ये उस कलर से थोड़ा सा आपको लाइट शेड में देखने के लिए मिलता है। तो आज हम जानेंगे इस गाड़ी के बारे में भाई, इस गाड़ी में आपको क्या क्या चीजें मिल जाती है, क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्या प्राइस रेंज यहाँ पे आपकी इस गाड़ी की रखी गई है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक का जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक में देख रहे हैं तो दोस्तों पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका अपने चैनल डी कार्स इन्फो पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मिस्टर डी एस बेस। तो भाई हम i20 के सामने खड़े हैं भाई। ये जो मॉडल हमारे सामने खड़ा है, इसका स्पोर्ट्स वेरियंट हमारे सामने खड़ा है, यानी इसका आप इसे सेकंड टॉप वेरियंट कह सकते हैं। इससे ऊपर आस्ट्रा वेरियंट आता है, फिर आस्ट्रा ऑप्शनल वर्जन आता है। और अगर इसके एक्सशोरूम वैल्यू की बात करेंगे तो 8,33,000 रुपए की एक्सशोरूम गाड़ी आपको देखने के लिए मिल जाती है। ऑन रोड आते ये गाड़ी आपको 9,70,000 रुपए के आसपास ऑन रोड पड़ती है। फ्रंट में खड़े भाई, चौड़ाई की बात क्यों ना हो तो भाई यहाँ पे इस गाड़ी की आपको चौड़ाई 1775 mm की ओवरऑल विड्थ देखने के लिए मिल जाती है। फ्रंट में चमचमाता हुआ साइड इन फिनिशिंग में आपको ह्युंडई का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। और अगर ग्रिल पोर्शन में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक में ग्रिल पोर्शन देखने के लिए मिलता है, जो कहीं ना कहीं गाड़ी के लुक्स को इंक्रीज करता है। नीचे से आपको सिल्वर कलर में स्किड प्लेट का ऑप्शन मिल जाता है, जो इसके लिप को कवर करता है, जो लुक्स को काफी इनहेंस भी करती है और स्पोर्टियर भी फील कराती है। बात करेंगे हेडलैम्प्स की तो यहाँ पे आपको भाई सिंगल बीम में हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाते हैं। लोअर बीम भी इसी में मिलता है, हाई बीम भी आपको इसी में देखने के लिए मिलता है। हेलोजन में आपको हेडलैम्प्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, हेलोजन में ही आपको इंडिकेटर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है भाई यहाँ पे। लेकिन एक चीज मिसिंग है कि आपको यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन भाई इसके नीचे बंपर सेक्शन में अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉग लैम्प्स का ऑप्शन मिल जाता है, जो आपको एलईडी में देखने के लिए मिलता है। आप इसे डे टाइम रनिंग लाइट की तरह भी यूज कर सकते हैं, फॉग लैम्प की तरह भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ साइड से देखेंगे तो भाई यहाँ पे आपको एयर कटिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जो गाड़ी को स्टेबल बनाए रखने में काफी हेल्प करता है। हुड में बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको हुड में कर्टेन क्रीज देखने के लिए मिलती है, काफी रिफाइन कर्टेन क्रीज देखने के लिए मिलती है, जो गाड़ी के लुक्स को बोल्डर भी बनाती है और स्पोर्टियर भी फील कराती है। साइड पोर्शन से अगर बात करते हैं तो भाई गाड़ी का लुक आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल लेंथ की अगर बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ मिलती है 3995 mm की देखने के लिए मिल जाती है। भाई साइड में खड़े हैं, टायरों की बात क्यों ना हो तो ओहो, टायर पहले से बड़े चेंज मिल रहे हैं भाई। और लुक्स हाय हाय मजा आ रहा है, लुक्स भी बहुत अच्छा खासा कर दिया है। डुअल टोन में आपको देखने के लिए मिल जाता है भाई, लेकिन ये आपको स्टील व्हील रिम में देखने के लिए मिलते हैं, लुक लाइक आपको एलॉयज की तरह लगते हैं। टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो भाई 195/55/R16 का टायर प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं गाड़ी में। और ये देखिए भाई, ये व्हील कवर यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन डिजाइन इतना प्यारा बना रखा है ना, ऐसा लगता है कि भाई एलॉयज है। ओआरवीएम में बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर्स ओआरवीएम में ही देखने के लिए मिल जाते हैं। विंडो में क्रोम गार्निश का वर्क आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और डोर हैंडल में आपको कोई भी स्मार्ट की एंट्री का बटन देखने के लिए नहीं मिलता, ये चीज यहाँ पे आपको मिसिंग मिलती है। बी प्लस की अगर बात करेंगे तो मैट ब्लैक में आपको बी प्लस देखने के लिए मिल जाते हैं गाड़ी में। और अगर ओवरऑल हाइट की बात करेंगे तो भाई वो भी आपको 1505 mm की ओवरऑल हाइट देखने के लिए मिलेगी। भाई ग्राउंड क्लियरेंस कैसे रह जाए, तो यहाँ पे आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है। और अगर बात करेंगे इसके व्हील बेस की तो भाई वो आपको यहाँ पे 2580 mm का व्हील बेस देखने के लिए मिलता है। रियर टायर्स में अगर बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स ही देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि इसमें दो ही डिस्क ब्रेक मिलते हैं आपको गाड़ी में देखने के लिए। चलते हैं पीछे की तरफ, तो भाई पीछे से गाड़ी का लुक आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। पीछे से डिजाइन गाड़ी का काफी अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है, काफी 3D डिजाइन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। सेंटर में आपको ह्युंडई का साटिन फिनिशिंग में लोगो मिल जाता है, याला पोर्शन आपको पूरा ग्लॉसी ब्लैक में देखने के लिए मिलेगा। फिर यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो भाई ये आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर का वर्क करता है, प्लस इसके सेंटर में आप देखेंगे तो आपको क्रोम ट्रीटमेंट का वर्क भी मिलता है, जो अगेन गाड़ी के लुक्स को इनहेंस करता है। स्पोर्ट्स मॉडल की बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है, i20 की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। लोअर बंपर सेक्शन में अगर बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको ये पैटर्न पूरा ग्लॉसी ब्लैक में देखने के लिए मिलता है। फिर यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर का वर्क देखने के लिए मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे आपको रियर से 2 points में पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिलते हैं। भाई दो ही पार्किंग सेंसर क्यों दिए यार, अच्छा कैमरा भी दे रखा है। यहाँ पे आपको कैमरा देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी में। नीचे से स्किड प्लेट का ऑप्शन मिल जाता है, जो अगेन गाड़ी के लुक्स को इनहेंस और स्पोर्टियर करता है। टेल लैंप्स की अगर बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको रिवर्स लैंप मिल जाएगा, ये आपको हेलोजन में इंडिकेटर, और ये आपको ब्रेक लाइट मिल जाती है, ये भी हेलोजन में मिलती है। ये वाला पोर्शन आपको ये एलईडी में देखने के लिए मिलता है। रियर विंडशील्ड में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफॉगर देखने के लिए मिल जाता है, वाइपर यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लाइट मिल जाएगी, और यहाँ पे ऊपर से आपको शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। बूट स्पेस की बात करते हैं, भाई बूट स्पेस कैसा मिलता है,
तो भाई बूट स्पेस आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। 311 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे आपको हैंगिंग का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। फिर अगर बात करेंगे स्टेपनी, तो भाई यहाँ पे आपको स्टेपनी कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाती है, जो 15 इंच की स्टील व्हील रिम में देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आपको पार्शल ट्रे का ऑप्शन मिल जाता है, जो रियर की सीट्स हैं वो पूरी बेंच फोल्ड आपको मिलती है। यहाँ पे आपको 60-40 रेशो का फोल्डेबल देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये तो था कुछ इसका बूट। बूट को करते हैं बंद। को ड्राइवर साइड देखेंगे तो भाई को ड्राइवर साइड भी आपको सेम एज इट इज वैसी ही मिलती है, जैसी आपको ड्राइवर साइड देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको इसका फ्यूल टैंक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। और ये चीज देखिए भाई, पुश टू ओपन नहीं हो रहा, ओ पुश टू ओपन हो रहा भाई, ये देखिए। तो ये चीज काफी अच्छी लगी भाई, ये आपको पुश टू ओपन मिल जाता है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की अगर बात करेंगे तो भाई ये आपको 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिलती है। ओवरऑल एक्सटीरियर तो हुआ कवर, चलते हैं इंटीरियर के अंदर देख लेते हैं भाई इंटीरियर में क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। अंदर की तरफ चलते हैं भाई, देखते हैं कैसा फील आपको मिलता है। i20 वैसे तो भाई बहुत फेमस गाड़ी है। डोर अनलॉक करते हैं भाई, तो हो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे अंदर से डोर पैनल देखने के लिए मिल जाएगा। डुअल टोन में मिलता है, बीज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। फिर यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो 4x4 पावर विंडो के स्विच, सेंटर लॉकिंग के बटन यहाँ पे मिल जाते हैं, ORVM इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। डोर हैंडल आपको ग्रेज फिनिशिंग में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर स्पेस और यहाँ पे आपको मैप पॉकेट देखने के लिए मिल जाती है। इंटीरियर चेकआउट करते हैं तो भाई कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलता है। भाई कितना टिंग टिंग करती है ये बस। अरे हाँ, ये देखिए भाई चाबी, यार आप 9,70,000 रुपए खर्च कर रहे हैं और चाबी आपको एक ऐसी मिलती है मैनुअल। यार दोनों रिमोट की देनी चाहिए थी इन्होंने, ये बहुत गलत कर रखा है। फिर अगर बात करेंगे भाई इंटीरियर, ये देखिए कुछ इस तरीके से डुअल टोन में इंटीरियर मिल रहा है। सीट भी आपको डुअल टोन में मिल जाती है। फैब्रिक में आपको सीट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे अगर बात करेंगे तो आपको हुड ओपन करने का ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है। और यहाँ पे आपको हेडलैम्प लेवलर, एडल्ट स्टार्ट स्टॉप का बटन और ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको एसी वेंट मिलता है छुपा छुपा, जो दिखता भी नहीं है। चलिए गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं भाई कैसा फील होता है। दरवाजा करते हैं बंद। तो भाई गाड़ी के अंदर मैं आ चुका हूँ, गाड़ी का एक बार इंटीरियर नजर मारते हैं। ओहो, डुअल टोन में मिल रहा है, मतलब काफी क्लासी इंटीरियर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। मतलब फील ऐसा नहीं लगता, डल डल जैसा फील नहीं होता है, मतलब रिची रिच फील यहाँ पे आपको कराती है गाड़ी अंदर से। भाई स्टीयरिंग व्हील देख के मजा आता है। स्टीयरिंग व्हील में फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है। भाई ये जो डिजाइन है ना, ये बड़े प्यारे लगते हैं मुझे। यहाँ पे काफी स्पोर्टिव फील कराते हैं। साइड इन फिनिशिंग में आपको देखने के लिए मिलता है और साइड इन फिनिशिंग में लोगो देखने के लिए मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको म्यूजिक के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, राइट हैंड साइड में आपको क्रूज कंट्रोल और क्लस्टर के कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे, टिल्ट और टेलीस्कोपिक, भाई टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों मिल रहा है, ये काफी अच्छा खासा चीज है यहाँ पे। फिर यहाँ पे बात करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, राइट हैंड साइड में आपको हेडलैम्प और इंडिकेटर के कंट्रोल्स मिलते हैं। प्लस यहाँ पे आपको ऑटो में देखने के लिए मिलता है भाई, यानी फॉलो मी हेडलैम्प्स भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्लस्टर कैसा मिलता है, चाबी चाबी चाबी। यार एक और चीज दिखाऊं, एक चाबी ये है, एक चाबी ये है। यार दोनों चाबियों में फर्क क्या है यार, ये देखो यार नॉर्मल सी, ये थोड़ी सी दुबली पतली लग रही है, ये थोड़ी सी हट्टी खट्टी लग रही है, लेकिन यार दोनों लगती सही मेरी हैं, ये बाइक की चाबी है मेरी। चलिए इसे बंद करते हैं और इसे लगाते हैं। ओह, क्लस्टर आपको कुछ इस तरीके से मिलता है भाई, डिजिटल क्लस्टर मिलता है। वो i20 बनी आ गई, लो फ्यूल की वार्निंग भी आ गई भाई। राइट हैंड साइड में आपको RPM मीटर मिल जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, सेंटर में आपको MMID डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें यहाँ पे आप देखेंगे फ्यूल की वार्निंग आ जाती है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर की वार्निंग आ जाती है, कई सारी चीजें यहाँ पे आपको डिस्प्ले में दिखाता है। टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम भी यहाँ पे आपको देखने में आ जाता है गाड़ी में, देखिए जैसा भी आ गया, ये देख लीजिए भाई है। हाँ, फिर अगर बात करेंगे सेंटर कंसोल की, तो भाई ये देखिए सेंटर कंसोल डिसेंट आपको मिलता है। 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले देखने के लिए मिलता है, वायर के साथ मिलता है। प्लस ये टच में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। दूसरी चीज, फिर यहाँ पे आपको नीचे एसी वेंट्स मिल जाएंगे, सेंटर में हैजर्ड लैंप का बटन और यहाँ पे आपको एसी कंट्रोल यूनिट देखने के लिए मिल जाती है, जो आपको ऑटो में देखने के लिए मिलती है। उससे नीचे आपको एक टाइप सी का पोर्ट, एक टाइप ए का पोर्ट और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का अडैप्टर सॉकेट देखने के लिए मिल जाएगा। वायरलेस चार्जिंग इसमें आपको यहाँ पे मिसिंग रहती है भाई। फिर गियर नॉब की बात करेंगे भाई, ये काफी सिंपल सा देखने के लिए मिल रहा है यार, इसमें भी फील नहीं आया यार। लेकिन ये 5-speed ट्रांसमिशन में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आपको 2-cup होल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा, हैंड ब्रेक की प्लेसिंग यहाँ पे आ जाती है, आर्मरेस्ट फिक्स में मिलता है, प्लस यहाँ पे आपको इसके अंदर स्टोरेज भी देखने के लिए मिल जाती है। ग्लोब बॉक्स की बात करेंगे तो भाई ग्लोब बॉक्स आपको कुछ इस तरीके से मिलता है, कूल ग्लोब बॉक्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है गाड़ी में। अब भाई IRM की बात करेंगे तो भाई मैनुअली एडजस्टेबल IRM देखने के लिए मिल जाएगा, सनग्लास होल्डर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, रीडिंग लैंप का ऑप्शन आपको हेलोजन में देखने के लिए मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको टिकट होल्डर का ऑप्शन और को ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अब बसता भाई इसका सीट्स की कुशनिंग, थाई सपोर्ट कैसा मिलता है। भाई थाई सपोर्ट आप देख लीजिए, भरपूर थाई सपोर्ट है, अच्छा खासा थाई सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। कुशनिंग थोड़ी बहुत ही सॉफ्ट है,
मतलब उतनी सॉफ्ट नहीं है। फिर अगर बात करेंगे हेडरूम स्पेस की, तो भाई हेडरूम स्पेस आपको अच्छा खासा मिलता है, एडजस्ट भी आप कर सकते हैं क्योंकि आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है भाई कुशन। और बात करेंगे पीछे से सपोर्ट का, वो आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको बकेट फिट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। और विजिबिलिटी की बात करूंगा तो भाई विजिबिलिटी आपको अच्छी खासी मिल जाती है क्योंकि ग्लास का एरिया काफी बड़ा सही मिलता है आपको। दूसरी चीज ए प्लस का साइज भी आपको ठीक ठीक यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तो आपके कॉर्निंग्स जज कर सकते हैं अच्छे से यहाँ पे। तो भाई ये तो था कुछ इसका फ्रंट का, आप चलते हैं इसकी रियर सीट में देख लेते हैं रियर सीट्स में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। ओहो, तो भाई रियर डोर जैसे ही खोलता हूँ ना, यह पूरा ही आपको पूरा बीज कलर में देखने के लिए मिलता है। खाली आला पोर्शन आपको ब्लैक कलर में दिखता है, केवल हाईलाइट करने के लिए, जैसे बॉर्डर लाइन खींचते हैं ना, लेकिन लुक अच्छा मिल रहा है। लेकिन इसका एक खामियाबी है भाई, ये गंदा बहुत जल्दी होगा। लेकिन फिर यहाँ पे आपको डोर हैंडल वही ग्रे ग्लॉसी कलर में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर स्पेस मिल जाएगा, यहाँ पे आपको स्पीकर्स की प्लेसिंग देखने के लिए मिल जाती है। इंटीरियर आपको गाड़ी का भाई कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। चलिए बैठ के देखते हैं, बैठ भी जाए। ओहो क्या बात है भाई, फ्रंट के जो हेडरेस्ट आते हैं दोनों एडजस्टेबल आते हैं। रीडिंग लैम्प का ऑप्शन यहाँ पे आपको सेंटर में मिलता है, हैलोजन में देखने के लिए मिलता है। प्लस यहाँ पे आपको एसी वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको एक प्लेस मिल जाता है जिसमें आप फोन वगैरह कैरी कर सकते हैं। नीचे आपको टाइप ए का पोर्ट मिल जाएगा चार्जिंग के लिए। ड्राइवर सीट के पीछे कोई मैगजीन पॉकेट नहीं है, को ड्राइवर सीट के पीछे आपको मैगजीन पॉकेट मिल जाती है गाड़ी में। फिर अगर बात करें रियर में हेडरेस्ट की, तो भाई आपको यहाँ पे दो हेडरेस्ट मिलते हैं, लेकिन यार ये एडजस्टेबल नहीं मिल रहे हैं यार। यहाँ पे भी थोड़ा सा एडजस्टेबल हेडरेस्ट देने चाहिए थे इन्होंने। सेंटर में कोई आर्मरेस्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन अगर बात करें सीट्स में, तो भाई थाई सपोर्ट आपको पूरा प्रॉपर मिलता है। अब बात करते हैं पूरे कंफर्ट की, तो भाई मैं गाड़ी में बैठा हूँ पीछे में, और अगर हेडरूम स्पेस की बात करूंगा तो भाई मेरे अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया हेडरूम स्पेस मिलता है। 5.7 मेरी हाइट है, थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा मिल रहा है गाड़ी में, रिक्लाइनिंग पोजीशन भी आपको अच्छी खासी मिल रही है, राइडिंग क्वालिटी आपकी अच्छी खासी होने वाली है। अगर गाड़ी में राइड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि जितनी आपकी रिक्लाइनिंग पोजीशन होगी ना, उतनी आपकी राइड क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है पीछे बैठ के। तो अब बात करते हैं इसके इंजन वे की, जान लेते हैं इंजन में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो चलिए चलते हैं इंजन की तरफ। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूं इसके इंजन सेक्शन में। अगर इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर कापा पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिल जाता है। पावर की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको 82 bhp की पावर देखने के लिए मिलती है, और अगर टॉर्क की बात करेंगे तो 114.7 Nm का टॉर्क यहाँ पे आपको गाड़ी में देखने के लिए मिलता है। भाई माइलेज क्या निकालती है, माइलेज जो यहाँ पे निकालती है 17 से 18 km का माइलेज यहाँ पे निकालती है। वैसे कंपनी इसका 20 km का माइलेज क्लेम करती है, बाकी डिपेंड आपकी ड्राइविंग कंडीशन, आप किस तरीके से इस गाड़ी से माइलेज लेते हैं। अगर ब्रेकिंग्स में बात करें तो ABS, EBD, VSM जैसे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर बात करें ट्रैक्शन में, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल और आपका ESP जैसे फीचर्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। सेफ्टी में भाई आपको TPMS भी मिल जाता है, 6 एयरबैग भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। वारंटी की बात करेंगे इंजन की, तो भाई यहाँ पे आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देखने के लिए मिलती है। नीचे से इंजन खुला खुला मिलता है, कोई प्रोटेक्टर शीट नहीं मिलती। इंजन के पीछे आपको जरूर इंसुलेशन का वर्क देखने के लिए मिलता है, लेकिन हुड में आपको कोई भी इंसुलेशन का वर्क देखने के लिए नहीं मिलता है। तो भाई ये तो था कुछ इसका इंजन, अब कर लेते हैं फाइनल वॉक अराउंड। तो दोस्तों 9,70,000 रुपए में ये गाड़ी आपको कैसी लगी, क्या ये फीचर्स आपको इसके वर्थ इट लगे या नहीं लगे, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ अगर चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको ऐसी ही नई नई वीडियोस लाते रहूंगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।